श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से 11 से 17 सितंबर तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत साइंदा स्कूल की ग्राउंड में हुई। कथा के पहले दिन की शुरुआत श्री गणेश आदि देव पूजन के साथ हुई, जिसके बाद श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा एवं मंगलाचरण की शुरुआत हुई। कथावाचक विश्व विख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सभी का अभिनंदन किया। कथा के मुख्य यजमान सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता राजू मदान, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी रहे। कथा व्यास आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा के पहले दिन की शुरुआत करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके पाप किसी न किसी रूप में मुक्त हो जाते हैं। इस दौरान आचार्य गौरव कृष्ण कुमार महाराज ने सुंदर मनमोहक भजनों को सुनाकर उपस्थित प्रभु भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। कथा प्रारंभ से पहले श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से व्यासपीठ की आरती भी की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उपप्रधान एडवोकेट उमेश शौरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपेंद्र सिंह बिल्ला, अश्विनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा, विकास ग्रोवर, राहुल भारी, राजवंश मल्होत्रा, राजेश बीगामल, तरुण सरीन, अरुण मल्होत्रा, देवेंद्र अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार, सोनू हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, देवेंद्र वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, सौरभ शर्मा, राकेश महाजन, राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Oh,
कि जो तालियां बजी है ना, अभी तो आगे कितना झूमना है, कितना मस्ती लूटनी है, पर सच बताऊं आपकी ये जो तालियां बजी हैं, तालियों से ही पता चल गया कि मैं पंजाब आ गया।